है दूल्हा और बाराती भी और सपनों की शहजादी भी। फतेहगढ़ पैलेस उदयपुर में राहुल का सच्चा जीवन साथी ढूंढने का सफर अभी जारी है। दिल से दिल मिलाने का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। स्वयंवर में बची 12 दुल्हनों ने कल राहुल का अनोखा इम्तिहान लिया, जिसमें राहुल को घूंघट में छुपे दुल्हनों की पहचान करनी थी। जिन दुल्हनों को राहुल नहीं पहचान सके, उनके साथ फतेहगढ़ से दूर राहुल ने कुछ खूबसूरत पल बिताए। बाकी दुल्हनों को मौका मिला राहुल के लिए बहुत ही खास दावत सजाने का। देखते हैं आज राहुल के दिल तक कौन सी दुल्हन पहुंच पाती है और किसके लिए आज इस सफर का आखिरी दिन है। तो कैसी थी पिकनिक? बहुत मजा आया। गाने गाए, डेट्स हुई, बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत मजा किया आज। अब तक सारी आउटिंग्स में, सारी मुलाकात में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? सभी चीजें मेरे से कंपेयर नहीं हो सकती, पर कहीं मुझे लगा आज का दिन कुछ ज्यादा स्पेशल था। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को मैं टाइम दे पाया जिनको वक्त दे नहीं पा रहा था, और मेरे ख्याल से एक कॉलेज की जैसे पिकनिक होती है वैसे गए हम लोग। मतलब एक केमिस्ट्री हम सब में थी, गाना गाना, लोगों ने आपकी और राखी की नकल भी उतारी उसमें, मेरी और राखी। पूरा ऐसा लग रहा था कि कॉलेज पिकनिक, मतलब पूरा दिन याद आ गया कि ऐसे मतलब जाते पिकनिक वैसा था, मतलब तो पूरा माहौल अच्छा लगा। और तीन डेट जो थी वो भी अच्छी लगी, ट्विंकल के साथ था मेरे घर से, और एक चार्मी के साथ और तनु के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। और तीनों भी खुश थे और मैं भी खुश था। अच्छा ये बताओ, आज किस दुल्हन ने तुम्हें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया या सरप्राइज किया, लाइक मे बी समथिंग दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग? मुझे आज सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तनु ने सरप्राइज किया। उन्होंने मेरे लिए बैठ के जो अपना नैपकिन होता है खाना खाने के लिए यूज करते हैं, उन्होंने खुद कार्व किया सिलाई करके आर्टिफिशियल फ्लावर से, RNT लिखा उन्होंने, और पूरी मेहनत से खुद बनाया उन्होंने, और फ्लावर के पत्ते काट करके CC के उन्होंने बनाया मेरे लिए। और उनकी जो कहानी थी उनको देखकर मुझे जस्सी याद आ रही थी, जस्सी जो हम देखते हैं, जस्सी कैरेक्टर जो है वो वैसी है, मतलब पढ़ाई करती है, जॉब भी करती है, PhD भी कर रही है, डांस भी करती है, डिस्को कभी गई नहीं है। डांस का शौक बहुत है, नाचती बहुत है, पर डिस्को कभी नहीं गई हूँ। उनका सपना है डिस्को में जाने का। बेसिक चीज लाइफ में, मतलब यू नो, जिस तरह उनकी रोमांटिक बातें थी, मैं काफी प्रभावित हुआ उनसे। इट वॉज प्लेजेंट सरप्राइज। ओके गुड, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली दिन बहुत बहुत अच्छा रहा है, लॉट ऑफ एक्टिविटी। तो भाई अब आपकी शाम भी मैंने उसी तरह प्लान करके रखी है। अच्छा, विद लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड लॉट ऑफ सरप्राइजेस। ओके, जो दुल्हन है तुम्हारे साथ नहीं गई वो सब इस वक्त क्या कर रही है जाना चाहते? बताइए क्या कर रहे? तुम्हारे पेट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे। क्या पेट मसाज करेंगे? दे आर ऑल इन द किचन। अच्छा, कुकिंग फॉर यू। ओह दैट्स ग्रेट। सब अलग अलग डिशेस तुम्हारे लिए बना रहे हैं। ओके, इन द होप कि तुम्हें इम्प्रेस कर पाए, बिकॉज मैंने उन्हें समझाया था कि वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, व्हिच इज वेरी वेरी ट्रू। बिल्कुल, तो कुकिंग ज्यादा अच्छी तरह से जानते नहीं है, बट दे रियली ट्राइंग। रियली आई थिंक उतना सब कुछ मेरे कर रही है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। राम बाबू, मैं सोचता हूँ मैं भी कुछ कोई डिश ट्राई करता हूँ उनके लिए खास बनाने की। है, लेकिन तुम्हें कुकिंग कहाँ आती है? इतनी सब बनाई लड़कियां, तो मुझे तो कोई बनाना जरूरी है। You're serious? बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगा मैं। This is so cute, क्या बनाओगे? अब सोचता हूँ कुछ, मेरे ख्याल से गाजर का हलवा है, ऐसा कुछ बना सकता हूँ, मेरे ख्याल से कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं कभी सोच नहीं सकता था तुम इतनी स्वीट रोमांटिक चीज सजेस्ट करोगे। जाओ जाओ जाओ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, किचन जाओ, शुरू करो, एंड आई विल वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट। ठीक है जी, सी यू सून, बाय। कैसे शेफ? अच्छा सर, बिल्कुल। मुझे आज गाजर का हलवा बनाना है। बिल्कुल सर, बनाएंगे आप। लड़कियों के लिए बनाना है और बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, लड़कियां खुश होनी चाहिए। बिल्कुल सर। शुरुआत करें हम लोग पहले एप्रन पहने। एप्रन पहने? हाँ, मेरी मदद करोगे? मैं पहली बार एप्रन इस तरह पहन रहा हूँ।